जेडीयू नेता राजीव रंजन ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये हालात अब जल्द सुधरने वाले नहीं हैं। ये अब अफगानिस्तान के हालात निश्चित तौर पर बहुत ही आसानी से सुलझने वाले नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका के जाने के बाद कई क्षेत्रीय शक्तियों की दिलचस्पी भी अफगानिस्तान में बढ़ी है, जो बदले हालात में अफगानिस्तान में अपना भविष्य भी सुरक्षित करना चाहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ऐसे में खून खराबा को रोकना, इसमें यूनाइटेड नेशंस को जरूर इसमें पहल करनी चाहिए, यही एकमात्र समाधान है। अब देखिए, तालिबान का विधिवत अफगानिस्तान पर शासन स्थापित हो गया है, दुनिया के अनेक मुल्क उसको राजनयिक मान्यता भी देने जा रहे हैं। वैसी स्थिति में इस तरह के बयानों का बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रह जाता है, लेकिन तालिबान के साथ जिस तरह से रक्त रंजित अफगानिस्तान का नाम जुड़ा है, निसंदेह हिंदुस्तान के राजनेताओं को तालिबान के समर्थन में भी बयान देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आधिकारिक तौर पर भारत सरकार कोई नीतिगत निर्णय ले, उसके बाद ही इन सवालों पर किसी का बयान आना चाहिए। संजय राउत, देखिए, एहतियात बरत करके भी यात्राएं संपन्न की जा सकती हैं, कोविड प्रोटोकॉल और जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन सुनिश्चित करके यदि अगर इस तरह की यात्राएं होती हैं तो मुझे लगता है आशीर्वाद यात्रा को ही हम क्यों कहें। देश में अनेक राज्यों में चुनाव हुए हैं, कई राजनीतिक दलों के कार्यक्रम हो रहे हैं, फिर वैसी स्थिति में आशीर्वाद यात्रा पर प्रश्न उठाए जाने का कोई मतलब नहीं है। ट्विटर को आधिकारिक तौर पर इस पर स्पष्टीकरण लेना पड़ा है और उसके बाद ही ट्विटर का जो ब्लॉक किया गया जो आईडी था वो ओपन किया गया है। तो प्रक्रिया ट्विटर ने पूरी की है, ये सत्य और असत्य का मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं देश के कानून का सम्मान राजनेताओं को भी करना है और आम आदमी को भी करना है, इसीलिए कोई विशेष अगर आप ट्रीटमेंट की उम्मीद करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ ही अन्याय है। ये एक अभूतपूर्व निर्णय है, जब महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर सभी क्षेत्रों में अद्भुत प्रदर्शन कर रही हैं, जब सेना में भी जो अधिकारी आए हैं, वायुसेना में गुंजन सक्सेना का हम नाम कह सकते हैं, जो उन्होंने असाधारण शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, वैसी स्थिति में ये फैसला निसंदेह अवसर महिलाओं के लिए काफ़ी बढ़ाएगा और जेंडर इक्वलिटी को लेकर के ये एक साहसिक निर्णय है इसका।